प्रताप की भी यान तोड़ देती है, भूख तो हुजूर पूरा नूर छीन लेती है, मजूरन की मांग का सिंदूर छीन लेती है, किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है। मैं अमेरिका में था तो एक जानकारी मिली मुझे, मंत्री साहब हो सकता है आप तक ये जानकारी पहली बार पहुंचे, दुनिया में कुल 3 देश ऐसे हैं, केवल 3 देश दुनिया में, इथोपिया, सोमालिया और भारत, जहां गरीबों को मुर्दा बेचने का कानूनी अधिकार है। अगर किसी के घर में इतनी गरीबी है कि मुर्दा बेच के रोटी मिलती है तो मुर्दा बेच सकने का कानून हिंदुस्तान में साउथ बिहार और उड़ीसा में पाया जाता है। दुनिया में केवल 3 देश हैं जहां मुर्दे बिकने की मंडी लगती है। तब सुनिए, किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है, और इस क्रोध को गाना चाहता हूं, आपका साथ मांगता हूं, आपको लगे इस क्रोध में मुझे कहने का हक है। किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है, क्योंकि क्रिया कर्म का भी पैसा नहीं होता है, घर वाले गरीब सुगम सहेज लेते हैं, बिना दाह संस्कार मुर्दा बेच देते हैं, थूक कर धिक्कारता हूं मैं ऐसे विकास को, जो कफन भी दे ना पाए गरीबों की लाश को, जो कफन भी दे ना पाएगा। अंतिम छंद सुनिए जिसके लिए कविता लिखी। किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है, किसी किसी मौत पर धर्म कर्म भी रोता है, क्योंकि क्रिया कर्म का भी पैसा नहीं होता है, घर वाले गरीब सुगम सहेज लेते हैं, बिना दाह संस्कार मुर्दा बेच देते हैं, थूक कर धिक्कारता हूं मैं ऐसे विकास को, जो कफन भी दे ना पाए गरीबों की लाश को, जो कफन। अंतिम छंद सुनिए जिस बात को कहने के लिए मैंने कविता लिखी। मैं कानून का आदमी हूं, पिछले दिनों रिसर्च कर रहा था मैं, तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज का फैसला पढ़ा, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, वो जज साहब लिखते, फॉर द पर्पज ऑफ द एनवायरमेंट ए सिंपल मॉस्किटो इज ऑनरेबल सिटीजन ऑफ द कंट्री, सेव इट। पर्यावरण के उद्देश्य से मच्छर भी देश का सम्मानित नागरिक है, इसकी रक्षा करो। कर ली रक्षा, आ गया डेंगू। और मैंने जिस दिन कविता पूरी की, कलकत्ता के पास मिदनापुर में एक रात में 27 लोग भूख से मरे थे, जहां वामपंथियों की सरकार, एक रात में 27 लोग, कोई नहीं पहुंचा मदद के लिए। जानते हो कौन पहुंचा? कलकत्ता की वेश्याओं ने बैंकों से पैसा निकालकर ठेलों पर अनाज लाद कर उस गांव में जाकर के अनाज बांटने की कोशिश की। मैंने उस दिन ये कोशिश की, ये काम वेश्याओं का नहीं था, ये किसका काम था? कानूनी व्यक्ति होने के नाते मुझे बताना चाहिए। दुनिया में 16 देश हैं जहां लोग भूख से मरते हैं, और वो 16 देश हैं जहां भूख से मरने की सजा किसे मिले ऐसा कोई कानून नहीं है। मैं उस कानून की मांग करता हूं, मंत्री महोदय के सामने करता हूं, और दावा करता हूं कि एक कानून हिंदुस्तान में बना दो जो मैं चाहता हूं, एक भी मौत भूख से नहीं होगी, ये दावा है मेरा। 611 कलेक्टर हैं हिंदुस्तान में, हर कलेक्टर के पास एक फंड है, कई राज्यों में उस फंड का नाम स्टारवेशन फंड है, भुखमरी कोष। सांसद को 2 करोड़ मिलता है विकास के नाम पर, MLA को 1 करोड़ मिलता है विकास के नाम पर, कलेक्टर का फंड और ये विकास निधि, और फिर भी कोई भूख से मर जाए, तो जिस कानून की आवश्यकता है उस कानून का समर्थन करना। कल संसद मेरी बात पहुंच जाएगी, मैं समर्थन मांगता हूं। सुनिए, भूख का निदान झूठे वायदों में नहीं है। हुजूर थोड़ी देर साहब, भूख का ये सुनाने के लिए मैंने कविता लिखी। अब मेरे भीतर का कानून का आदमी बोलता है, भूख का निदान झूठे वायदों में नहीं है, सिर्फ पूंजीवादियों के फायदों में नहीं है, भूख का निदान कर्णधारों से नहीं हुआ, गरीबी हटाओ जैसे नारों से नहीं हुआ, भूख का निदान प्रशासन का पहला कर्म है, भूख का निदान प्रशासन का पहला कर्म है, गरीबों की देखभाल सिंहासन का धर्म है, इस धर्म की पालना में जिस किसी से चूक हो उनके साथ मुलजिमों के जैसा ही सलूक हो, उनके साथ मुलजिमों के जैसा ही, इस धर्म की पालना में जिस किसी से चूक हो उनके साथ मुलजिमों के जैसा ही सलूक हो, भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है, भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है, हत्याओं के लिए मृत्यु दंड का विधान है, कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए, कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए, मौत का किसी को जिम्मेदार होना चाहिए, मौत का किसी को जिम्मेदार हो। और किसी पर कविता छोड़ देता तो मैं काहे का हरिओम पवार। अब मेरा साहस देखना, किसी का नाम बता रहा हूं, मिले तो ग्रेबान पकड़ना। मेरे पास 1.5 साल की दुनिया की कानून पढ़ने के बाद लीगल सैंक्शन है ये बात कहने के लिए।
कौन जिम्मेदार है? समर्थन करो तो जी भरकर उसी जोश में करना जिस जोश में गाने की मैंने हिम्मत की है कविता सुनना है। भूख से कोई मरे ये हत्या के समान है, हत्याओं के लिए मृत्यु दंड का विधान है, कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए, मौत का किसी को जिम्मेदार होना चाहिए। भूखों के लिए नया कानून मानता हूं मैं, भूखों के लिए नया कानून मानता हूं मैं, समर्थन में जनता का जुनून मानता हूं मैं। खुदकुशी या मौत का जब भुखमरी आधार हो, खुदकुशी या मौत का जब भुखमरी आधार हो, उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार हो, उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार, उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार। हिम्मत करो तो आगे करना इससे भी, ताकि मंत्री को लगे कि वो शायरों को कवियों को अगर प्रेशर देते हैं, हौसला देते हैं, तो पता चले कि कवियों को शायरों की सच्चाई को हौसला मिलना चाहिए। उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार हो, वहां का MLA MP भी गुनहगार है, क्योंकि ये रहनुमा चुना हुआ पहरेदार है। चाहे नेता अफसरों की लोभी आज क्रुद्ध हो, चाहे नेता अफसरों की लोभी आज क्रुद्ध हो, हत्या का मुकदमा इन्हीं तीनों के विरुद्ध हो, हत्या का मुकदमा इन्हीं तीनों के विरुद्ध, हत्या का मुकदमा इन्हीं तीनों के विरुद्ध हो। अब केवल कानून व्यवस्था को टोक सकता है, भुखमरी से मौत एक दिन में रोक सकता है। अब केवल कानून व्यवस्था को टोक सकता है, भुखमरी से मौत एक दिन में रोक सकता है। आज से ही संविधान में विधान कीजिए, एक दो कलेक्टरों को फांसी टांग दीजिए, एक दो कलेक्टरों